एक गांव में अजय नाम का एक बंदा था। उसको सभी पंपसेट अजय कहकर बुलाते थे, क्योंकि उस गांव में अगर किसी के खेतों में पानी सप्लाई करना हो, टैंक में पानी भरना हो, तो उसी का पंपसेट इस्तेमाल करते थे। अजय का खुद का एक मकान था जिसमें भाड़े पे रहने वालों से कहता है, देखिए पानी को वेस्ट मत कीजिए, टैंक को भरने के लिए पंपसेट ने जितना बिजली इस्तेमाल किया है उतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। आपके पंपसेट ने कितना करंट यूज किया है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये लीजिए, इस मीटर से हमें पता चलेगा कितना करंट खर्चा हुआ है। आमतौर पर टैंक भरने के लिए अगर 300 रुपये लगते थे तो मीटर 3000 रुपये दिखाता था। एक बार खेत में अपने पंप सेट से पानी सप्लाई करते वक्त उस खेत का जमींदार आता है, ये लीजिए बिल, आपके खेतों में पानी सप्लाई करने के लिए पूरे 5000 रुपए हुए हैं, कहकर बिल जमींदार को दे देता है। बिल देखकर जमींदार, क्या भाई 5000 रुपए कैसे हो गए इतने पैसे? हाँ साहब, मीटर जितना बताएगा उतना ही होगा ना, मीटर 5000 दिखा रहा है। जमींदार मजबूरी में अजय को 5000 रुपए दे देता है। अगले दिन अजय अपने टेनेंट से, ये लो भाई तुम्हारे फ्लैट का वाटर बिल आया है, कहके उनको बिल दे देता है। उस बिल को देखकर टेनेंट, क्या साहब 3500, हम है ही 3 लोग, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ये सारा धोखा है। ओए क्या भाई ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने बिल बनाया है, तुम 3 लोग हो या 10 लोग, मीटर बिल जितना होगा उतना देना पड़ेगा कहकर मैंने पहले ही बताया था। देखो तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। कौन रहेगा यहाँ, पूरा गलत हिसाब लगा रहे हो आप, हम घर खाली करके निकल जाएंगे, कहकर वहां से निकल जाता है। उसी गांव में राहुल नाम का एक बंदा था, वो जाली नोट बनाता था। एक बार राहुल अजय के घर पर टॉयलेट बोर्ड देखकर उससे, सर टॉयलेट बोर्ड देख के आया हूँ, किराया कितना है? किराया 12000 है, पानी और करंट बिल सेपरेट होगा, पानी यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, 5000 रुपए तक आएगा बिल, भर पाओगे? कोई परवाह नहीं सर, 5000 क्या, 50000 आने दीजिए, लेकिन पैसे मैं कैश में ही दूंगा। कैश दोगे, ये तो बहुत बढ़िया है, कल ही शिफ्ट हो जाओ, एडवांस का 50000 होगा। बस 50000, शाम तक प्रिंट करवा दूंगा सर। प्रिंट करवाओगे, ये क्या बोल रहे हो तुम? राहुल हड़बड़ाते हुए, सॉरी सर सॉरी, प्रिंट नहीं कराऊंगा, प्रिंट मशीन में काम करता हूँ ना सर रोज, इसीलिए आदत हो गई है, शाम तक मैं एटीएम से पैसे ड्रॉ करके आपको दे दूंगा। अजय वैसे करंट बिल वाटर बिल ये वो करके राहुल से पैसे लिया करता था। राहुल हर बार, शाम तक दे दूंगा सर, कहकर प्रिंटिंग प्रेस जाकर पैसे प्रिंट करके अजय को दे देता था। एक बार अजय फोन में पैसे ट्रांसफर करते वक्त, अरे यार अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया, चलो छोड़ो घर पे बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, सब कुछ बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, कहके बैंक पहुंचता है। वहां बैंक मैनेजर से, मैनेजर सर मैं इस गांव में बहुत फेमस होने वाला एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी हूँ, मेरा नाम अजय है, मैं यहाँ पैसे डिपॉजिट करने आया हूँ। सर बिल्कुल बिल्कुल, कहकर पैसे ले लेता है। उन पैसों को देखकर मैनेजर चौंक जाता है और अजय से पूछता है, सर ये पैसे किसके हैं? मेरा ही है सर, माई हार्ड वर्क, मेरी मेहनत, मैंने हड्डी पसली एक करके कमाया है सर। अच्छा ठीक है तो आप यहीं बैठिए, कहकर पुलिस को कॉल करता है और पूरी कहानी बताता है। पुलिस तब आकर, क्या बे जाली नोटों का धंधा करता है, कहकर खूब पीटते हैं। जग्गू भाई नाम का एक बहुत बड़ा डॉन था, उसके पास दारू नाम का एक लड़का काम करता था। एक दिन जग्गू भाई, अरे दारू कल हमें मुंबई जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हेलीकॉप्टर को रेडी रखना,
भाई बहुत दिनों से तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछू क्या? पूछ, क्या पूछना है भाई? तुम इतने पैसे कमाते हो लेकिन तुम्हें ये सब खोने का डर नहीं लगता? मुझे? और डर? मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा सेलफोन ही मेरा सबसे बड़ा की है। इसमें सारे राज और ओटीपी है, इसीलिए मैं इस सेलफोन को कभी नहीं छोड़ता हूँ। अगले दिन जग्गू भाई और दारू हेलीकॉप्टर में निकलते हैं। जग्गू भाई तब फोन पे, हेलो वीरू साहब, मैं निकल गया हूँ, 3 घंटे में पहुँच जाऊंगा। कहते वक्त अचानक से उसके हाथों से सेलफोन फिसल जाता है और नीचे घास पे गिर पड़ता है। पास में एक भैंस भी था जो अनजाने में घास समझकर सेलफोन को खा लेता है। हेलीकॉप्टर उस भैंस से थोड़ी दूर रुक जाता है। भाई तुम निकल जाओ, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, सेलफोन मिलते ही मैं कॉल कर दूंगा। हाँ ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सेलफोन को ढूंढो और मिलते ही मुझे कॉल करना, तेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजूंगा। दारू उस सेलफोन को ढूंढने में लग जाता है। बहुत ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है। तब यशवंत जो भैंसों की देखभाल करता है वहां आया। दारू को देखकर, क्या हुआ साहब, क्या ढूंढ रहे हो आप, कुछ खो गया है क्या? हाँ मेरा सेलफोन खो गया है। बाप रे, सेलफोन कैसे घूम गया? दारू तब घटना को बताते हुए, वो हम हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और हाथ से फिसल गया। बाप रे, इतने हाइट से गिर गया तो सेलफोन टूटेगा नहीं? हाँ सही बात बोला, लेकिन वो ऐसा वैसा फोन नहीं है, वो अनब्रेकेबल फोन है। इस बीच में जग्गू भाई कॉल करके, अरे दारू वो सेलफोन मिला क्या? नहीं भाई, मुझे लगता है किसी ने चोरी कर ली है, लेकिन मैं पकड़ लूंगा भाई। जग्गू भाई गुस्से में, बेवकूफ कहीं के, पहले मेरे फोन को कॉल करो, तब चोर कहाँ है ये पता चलेगा, और फोन रख दिया। दारू तुरंत उस फोन को कॉल करता है और उस भैंस की अंदर से रिंग सुनाई देती है। दारू उस रिंग को सुनकर, यही कहीं होना चाहिए, कहते हुए भैंस की तरफ आया। भैंस बहुत उतावला होने लगता है। हाय हाय, डुर डुर, बस करो बस करो अब। दारू ने फिर से कॉल लगाया और भैंस फिर से उतावला होने लगा। अरे ये क्या, भैंस की अंदर से आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल सही, भैंस के अंदर से ही रिंग आ रही है। क्या पागल भैंस है, मेरे सेलफोन को चुरा लिया। क्या बोल रहे हो साहब, भैंस कैसे चोरी करेगा? तमीज से तुम्हारी भैंस को बोलो कि सेलफोन वापस दे दे, नहीं तो मार डालूंगा। ये सब मुझे बॉस को तुरंत बताना पड़ेगा, कहकर जग्गू भाई को फोन लगाता है। भाई तुम्हारा सेलफोन चोरी हो गया है। क्या, मेरी सेलफोन चोरी हो गई है? कौन है भे, किसने है इतनी हिम्मत? है भाई एक भैंस की औलाद। भैंस की औलाद? तू क्या बोल रहा है, सीधे सीधे बता। भाई तुम्हारे सेलफोन को एक भैंस ने चुरा लिया है। जग्गू भाई चौंक गया। भैंस ने चोरी की? दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? अबे दारू, भैंस ने कैसे चोरी की रे? हाँ भाई, भैंस ने तुम्हारे सेलफोन को खा लिया, अब सेलफोन उसके पेट में है। ये सब सुनके यशवंत डर जाता है। साहिब भैंस को मत मारो, उसको अच्छी तरह खाना खिला दो तो वो कल सुबह तक गोबर डाल देगा और उसमें आपका सेलफोन निकल जाएगा। अबे दारू, उस फोन में मेरा ओटीपी, 100 करोड़ का बैंक बैलेंस, लॉकर डॉक्यूमेंट्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ है। वो गया तो समझो मैं भी गया, किसी भी तरह उस सेलफोन को हासिल करना ही है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। दारू भैंस को बहुत खाना खिलाने लगता है और हर एक घंटे के बाद उस भैंस की पूंछ के पास जाकर देखने लगता है। साहिब अभी थोड़ी देर पहले तो खाया है, भैंस कल सुबह तक गोबर नहीं डालेगा। इस बीच में जग्गू भाई कॉल करके, क्या बे मिला क्या फोन? नहीं भाई अभी नहीं डाला, लेकिन मैं पूंछ के पास ही हूं, जब वो बाहर आएगा तो मैं तुरंत कैच पकड़ लूंगा, कहकर पूरी रात उस भैंस की पूंछ के पास ही बैठा रहा। अबे एक परफ्यूम लेकर आ, ये बहुत बदबू मार रहा है यहां पे। तो फिर वहां मुंह रखोगे तो बदबू नहीं तो क्या आएगा। जैसे तैसे सुबह होता है,
यशवंत भैंस को पानी पिलाते हुए, दारू साहब भैंस गोबर डालने वाला है। हाँ 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 मैं भी रेडी हूं। भैंस थप थप कर दारू के चेहरे पे गोबर डालता है, इससे दारू उछल के गिर पड़ता है। सॉरी साहब, लगता है भैंस को गैस का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए चलिए, भैंस और गोबर डालने लगा है। उस गोबर में दारू सेलफोन के लिए बहुत ढूंढ रहा था। अचानक से याहू, मुझे सेलफोन मिल गया, कहकर डांस करने लगता है। जग्गू भाई को कॉल करके, भाई सेलफोन मिल गया, ये सुनके जग्गू भाई चैन की सांस लेता है।